ब्रेक के बाद गॉडफादर केबल के सभी दर्शकों का स्वागत है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए स्वरूपरानी कॉलेज में एक सेमिनार किया गया, जिसमें पेड़ काटने के साथ हो रहे दूषित वातावरण संबंधी जानकारी दी गई। आकाश में जोन लहर में प्रदूषण के चलते हो रहे नुकसान के बारे बच्चों को जागरूक किया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा प्रण लिया गया कि पेड़ों को ना तो काटा जाएगा और ना ही किसी को काटने दिया जाएगा। देखो जी, असी जिहड़ा साडा गर्ल्स कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, असी पढ़ाई दे नाल नाल बहुत सारे एनवायरमेंट क्लब, दूसरे क्लब, सोसाइटीज़ इहदे च फॉर्म कीतियां हुई हैं, ताकि बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं, उहदे नाल नाल जो एक एजुकेटेड सोसाइटी नूं चाहिदा है उहदी भी उहनां नूं नॉलेज दित्ती जाए। तो इस वेले सब तो जरूरी है एनवायरमेंट बारे दसना बच्चों नूं। एनवायरमेंट एक नैशनल इंटरनैशनल इशू है, उस लई बच्चों को अवेयर करने लई साडे बॉटनी डिपार्टमेंट ने NGO मिशन आगाज़ नाल मिल के अज ओजोन डे मनाया है। बच्चों को प्लेज दवाया है कि वो अपना एनवायरमेंट, आला दुआला, पेड़, एनवायरमेंट सब की देखभाल करेंगे और अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। इस करके असी उन्होंने संपर्क च आके उन्होंने कुछ पौधे दिते और हर बच्चे नू सिलेक्ट करके आफ्टर 4-5 ग्रुप्स एक एक पौधा भी दिता है कि वह अज तो वह पौधा लगान, ताकि वह अपनी जिम्मेदारी का एहसास होए उन्होंने कि जिमें जिमें पौधा पनपेगा और प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व करनिया पैनगियाँ तो वो फायदे मिलनगे, तो वह एक रिस्पोंसिबल सिटीजन बनेंगे। यही साडा मकसद है। ते आम लोगों को की अपील करनी चाहोगे जी के पौधे लगाने? देखो जी, आम लोगों को यही अपील करांगे कि वध तो वध पेड़ लगाए जान, क्योंकि साडा है एक इकलाकी फर्ज है कि अगर असी किसी भी सिटी, किसी भी बस्ती, किसी भी कम्यूनिटी का हिस्सा हाँ, तो उहदे लई असी जब तक पेड़ नहीं लगावेंगे, ईको फ्रेंडली एनवायरमेंट नहीं देवांगे, तो आने वाली जनरेशन सानू माफ़ नहीं, तो असी ना कोई शेयर नहीं देंगे पोल्यूशन। इसका मकसद था कि हमने वर्ल्ड ओजोन डे मनाया। आज तक हम बहुत से अपडेट्स देखते हैं, मार्केट में मनाए जाते हैं, चाहे वैलेंटाइन डेज हो, कोई और डेज हो, उसके लिए समाज में बड़ी अवेयरनेस है, बट इस तरह के डेज जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, इस तक हमारा ध्यान नहीं जाता। ये डे हमारी, इस डे मनाने का मकसद ये है कि ओजोन लेयर हमारे डिप्लीट हो रही है बहुत तेज़ी से, और अगर ये डिप्लीशन जारी रही तो हमारी लाइफ ख़त्म हो सकती है। इसके बारे में सभी को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। वैसे मार्केट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद HCFC, R134, उसके बाद R134A गैसेस भी आ गई हैं, बट एक कॉमन मैन को इसके बारे में नहीं पता है। हमें जितने प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में देखना होगा कि ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचाती, इसका हमारा कितना नुकसान हो रहा है अगर एनवायरनमेंट का, ये स्किन में कैंसर फैल सकता है। हमारे डायरेक्ट सनरेज डायरेक्टली हमारे पास पहुँची, इसको बचाने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएँ। तुलसी का प्लांट हर घर में होना चाहिए, तुलसी के प्लांट से भी इसके ओजोन क्लियर की जो भरपाई हो सकती है वो ज़्यादा अच्छी।